नमस्ते, मेरा नाम पुनीत है। 15 दिन पहले मेरी बहन की डेथ हो गई और आज मैं कापूंगा और शायद भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करो। मैं स्टार्ट करता हूँ। 22 साल की थी वो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि माँ की तरह ख्याल रखती थी मेरा, काम कैसा भी हो हमेशा करती थी मेरा। पापा की डांट से हमेशा मुझे बचाना उसकी जिम्मेदारी थी, पर हर मदद करने पर कुछ ना कुछ मांगना उसकी बीमारी थी। नखरे इतने के कोई झेल ना पाए, खेल ऐसा खेले के कोई खेल ना पाए, और गलतियां उसकी हो फिर भी मनाना हमें पड़ता था। काम उसे मिले पर करना हमें पड़ता था। घर की लाडली इकलौती दुलारी थी वो, माँ की चहेती पापा की प्यारी थी वो। और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ आप सब सोच रहे हो ना ये कौन थी, आप सभी बहनों की तरह ये मेरी भी एक खूबसूरत बहन थी। जी हाँ, अब हमारे साथ नहीं है वो, हमेशा आंखों के सामने रहने वाली आज हमारे पास नहीं है वो। और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी हमारी, या ये कहूं कि पूरे वंश में एक ही लड़की थी हमारी। उम्र महज 23 साल, मगर हरकतें बच्चों जैसी थी, कहीं ना कहीं वो भी शायद मुझ जैसी थी और मुझसे बड़ी होने का पूरा फायदा उठाती थी। सामने जब भी आता ना मुझसे अपने पैर छुआती थी, और एक भाई से पैसे तो दूसरों से खाना मंगवाती, तीसरे से शॉपिंग तो चौथे से पैर दबवाना। और रानी जैसी जिंदगी जीती थी मेरी बहन, सबसे हमेशा हंसते खेला करती थी मेरी बहन। और मेकअप का बड़ा शौक रखती थी दीदी, सजना सवरना खूब करती थी दीदी। और माँ पापा सबको सजाती रहती थी, घर के हर एक शख्स को हंसाती रहती थी। और लड़ाई गुस्सा सबसे ज़्यादा मुझसे करती थी दीदी। तुम सच में बहुत नौटंकी थी, पर हर राखी पर राखी भेजना नहीं भूलती थी। अपने भाई की कलाई कभी सूनी नहीं रखती थी। और इस राखी भी तुम्हारी राखी वक्त पर आ गई थी, पर 2 दिन बाद दीदी तुम्हारी मौत की खबर आ गई थी। और 1 साल पहले तुम्हारा मुझसे गुस्सा होकर मुझे ब्लॉक कर देना या उसी गुस्से में मेरा तुमसे बात ना करना मुझे अब भी सता रहा है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे अब भी सब बात बहुत पछता रहा है। और जाने से पहले ना तुम्हें देख सका ना तुम्हारी आवाज सुन सका। दीदी मैं बहुत बेकार हूं जो तुम्हारा अच्छा भाई ना बन सका। और अगली साल तुम्हारी शादी होनी थी, हम 4 भाइयों के हाथ से तुम्हारी डोली उठनी थी, पर किस्मत को शायद ये मंजूर ना था। शायद तुम्हें दीदी हमसे दूर होना था, वरना जिन हाथ से बहन की डोली उठने का सपना सज गया था वही हाथ आज दीदी तुम्हें कंधा देने में लग गया था। कि दीदी जहां भी हो हमेशा खुश रहना तुम, वक्त पर खाना और हमेशा ख्याल रखना तुम। बस नाराजगी इस बात की है कि बिना बताकर चली गई, खुद सो गई हमें जगाकर चली गई। और हमेशा हंसते रहो सभी को ये बताकर चली गई, सभी को हंसने हंसाने वाली आज हमें रुलाकर चली गई।